हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनवेश फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी बिल्कुल एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। 14 तक हमको जाना है, बहुत लंबी लड़ाई अभी आगे चल रही है। 50% ऑलमोस्ट अपना कवर्ड हो गया है, जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कैनन ऑफ टैक्सेशन पर्सन। अब कैनन्स का मतलब यहाँ पर सिद्धांत से है, मूलभूत सिद्धांत से है। बेसिकली ये सिद्धांत तो बहुत पुराने होते हैं कि टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, है ना। टैक्सेशन राम के राज्य जैसा होना चाहिए। अब राम के राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, राम के राज्य के अंदर ये एक व्यवस्था थी, मतलब ये आइडियोलॉजी हिंदुत्व में रही है काफ़ी समय से, पूरे इंडियन सोसाइटी के अंदर रही है ना। मुगलों में भी यही आइडियोलॉजी हमको देखने को मिली थी, मतलब ये टैक्सेशन की एक आइडियोलॉजी थी। ये टैक्सेशन की आइडियोलॉजी क्या कहती थी कि जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। इसीलिए आज आप देखेंगे कि जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है, अभी तो खैर चलिए और लिमिट, अभी मैं इसका लिमिट यहाँ पर आपको बोल के कन्फ्यूज़ नहीं करता, क्यों मान के चलते हैं जिसकी इनकम 30 लाख से ज़्यादा होती है उसके ऊपर 30% से कर लगाया जाता है, और जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसके ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाता। ये ऐसी स्लैब रेट्स बनाई जाती है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हर साल चेंज होती है, इसलिए अपने कोर्स के अंदर कभी स्लैब रेट नहीं आती। लेकिन ये स्लैब रेट क्यों, कि जिसके पास कम पैसा है उससे कम कर लगाया जाए। जैसे कि बादल, हमने बादल तो देखे ही होंगे, बादल तालाब से भी पानी लेते हैं, समुद्र से भी पानी लेते हैं, है ना, नदियों से भी पानी लेते हैं। तो पानी समुद्र से ज़्यादा लिया जाता है, तालाबों से कम लिया जाता है, और छोटा कुआं होता है, छोटा बावड़ी होती है तो उससे और कम पानी लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जिसके पास जितनी भराव की क्षमता है उससे उतना ज़्यादा टैक्स वसूला जाए। इसी को कैनन्स ऑफ द टैक्सेशन प्रिंसिपल बोला जाता है। ये क्या कहता है, द रिलेट द पर्सन एम्फेसिस ऑफ द प्रिंसिपल दैट कुड लेविट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू पे। जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी है उससे ज्यादा टैक्स वसूला जाए, जिससे कम एबिलिटी है उससे कम टैक्स वसूला जाए, जिससे एक सिस्टम अमीर और गरीब की जो खाई है वो कम करी जा सके। यही है कैनन ऑफ टैक्सेशन है, काफी पार्ट बी में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया अगर पार्ट सी के अंदर आएगा तो अपन टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जो एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसके अंदर इंक्लूड करा है। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जैसे कि टाइप्स ऑफ इनकम है ना। अब ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर दो तरीके के टैक्स हैं, आप ये भी यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, दो तरीके के टैक्स हैं। कौन कौन से हैं सर, जल्दी से लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो है हमारे डायरेक्ट टैक्स, याद रखना ये इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अभी सबसे फेमस जो टैक्स है वो है हमारा जीएसटी, ठीक है, ये आप थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से याद रख लेना। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो पेयर डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को सबमिट करता है, जो डायरेक्टली पेयर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को सबमिट कर रहा है। यहाँ पर लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो होता है हमारा वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर जो पे ही कर रहा होता है, लाइक मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है तो मैं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाऊँगा, उसकी वेबसाइट पर जाऊँगा, चालान बनाऊंगा या ऑनलाइन सबमिट करूंगा, वो होगा मेरा डायरेक्ट टैक्स। आई होप क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड नहीं करते हैं, एक थर्ड पार्टी को पेड करते हैं। लाइक कि हम होटल में खाना खाने के लिए गए, वहां पर उसने हमसे जीएसटी चार्ज करा, तो हम गवर्नमेंट में टैक्स सबमिट नहीं करा, हमने होटल के ओनर को टैक्स दिया। होटल का ओनर जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो हमारे बिहाफ पे वो टैक्स सबमिट कर देगा। हम पेट्रोल भराने गए, हमने वेट दिया, वो पेट्रोल का ओनर वहां पे जब रिटर्न फाइल करेगा तब वो टैक्स देगा, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जब पे ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देके मीडिएटर यानी थर्ड पार्टी को टैक्स देता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो पे ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड करता है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से कैनन ऑफ टैक्सेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है, बेसिक प्रिंसिपल्स ही हैं। और यदि किसी के पास नोट्स नहीं है या डिटेल इनको लिखने में दिक्कत आ रही है, तो हमारी ई बुक्स अवेलेबल है, 799 में पूरा का पूरा कोर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। पर ई बुक का प्राइस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, 200 रुपीज़ है, है ना। मतलब अगर 2 बुक्स लेते हैं आप तो 400 कॉस्ट होती है, और 7 बुक्स की मात्र 800 रुपए के अंदर पूरा का पूरा आपको कोर्स मिल जाता है। तो ये आपको आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगा, 7 सब्जेक्ट्स आपके कोर्स के, आईटी हो, एचआर हो, आईबी हो, फाइनेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी देखते हैं।